हे गाइस, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये सभी का यूट्यूब चैनल है क्योंकि कंज्यूमर की प्रॉब्लम हर किसी की होती है। छोटे से अधिकारी से लेकर छोटे से पीएम से लेकर सभी के कंज्यूमर की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हमसे केस फाइल करवाने के लिए, हमसे लीगल एडवाइस के लिए, करी काउंसलिंग के लिए, यदि आप हमसे कोई कोर्स करना चाहते हैं, यदि ऑनलाइन कोर्सेज का ऑप्शन जहाँ दिखाई देगा, लिंक ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आप हमें देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से कोर्स के रोज कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, रोज कोचिंग क्लास देते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स, टैली, एनिमेशन एंड बहुत कुछ, एंड मीडिया एंड लॉ के सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ आप देख लीजिएगा। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए devanshikansal@gmail.com पर हमें संपर्क करें। अब हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि हमने जिसके लिए वीडियो बनाई है। एडवांस सर्च का आप जाएंगे, ठीक है, तो केस टाइप को लेके भी आप सर्च कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको क्या, जैसे हमने सिलेक्ट कमीशन किया है NCERT, केस टाइप हमने जैसे मान लिया है फर्स्ट अपील ही लेते हैं हम लेंगे एजुकेशन एप्लीकेशन। एजुकेशन एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया कि भाई इनके पैसे दो, लेकिन दूसरा पार्टी जो है पैसे नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एजुकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। हम यह केस देख रहे हैं राहुल गुप्ता का भी। राहुल गुप्ता का ये जो केस है अर्जेंट है अभी, ठीक है, और उसमें डेली ऑर्डर क्या निकला वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब नेशनल कंज्यूमर कमीशन रेफरल कमीशन न्यू दिल्ली लिखा हुआ, एजुकेशन एप्लीकेशन का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट का नाम लिखा हुआ, उनके वकीलों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या ऑर्डर निकला है उस दिन का वो भी हम देख पा रहे हैं। इसमें लिखा है कि रिक्वेस्ट किया गया है द रजिस्ट्रार टू लुक इन द मैटर को देखे और फर्निश करे रिपोर्ट को, ठीक है। इसमें जो ओरिजिनल साइंड कॉपी है, ठीक है, जो पहले की है, तो जो मतलब इसमें कहा गया है कि सिग्नेचर के साथ दी जाए कुछ है, तो जो भी आपके ऑर्डर आप इसमें देख पाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी अपने केस को सर्च कर सकते हैं, चाहे वो आपका NCERT लेवल तक का वो केस फाइल हो, चाहे स्टेट अपील कमीशन का, स्टेट अपील कमीशन का होगा तो आपको अपना स्टेट चुनना होगा। यदि आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का होगा तो आपको क्या करना होगा साथ में, जैसे मान लो आपका केस है स्पोर्ट एक्ट हरियाणा का है, स्पोर्ट एक्ट या दिल्ली का लेगा, दिल्ली में क्या है बहुत सारे जैसे नॉर्थ ईस्ट या कुछ भी हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट या कुछ भी। जब आपका केस है हरियाणा का, स्पोर्ट एक्ट हरियाणा का, तो वहाँ आपको कैप्सल फरीदाबाद जो भी है आपके वहाँ को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे भी आप रहते हैं, ठीक है। फिर आप केस टाइप पे सर्च कर सकते हैं। मान लो हमने सर्च किया हिसार, और आपको केस टाइप पे मान लो 2018 का केस है मान लो, और आपका जो केस है मतलब कंज्यूमर केस तो हर कोई होता है, आपको सर्च कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। उसका मान लो आपका कैविट केसेज है या कोई भी आपका केसेज है, फर्स्ट अपील केसेज है, ऐसा फर्स्ट अपील आपकी तो नहीं है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें नहीं आएगा आपका ये फर्स्ट अपील पे, क्योंकि फर्स्ट अपील होती है स्टेट में। तो आपको इससे देखना पड़ेगा कि आपका जो जैसे रिव्यू एप्लीकेशन है या जो भी है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका ये केस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट अपील है तो वो स्टेट में जाती है तो आपका नहीं आ पाएगा। यदि आप कंज्यूमर केस लिखेंगे तो आपको बहुत सारी हिस्ट्री मिल जाएंगी जिन जिन लोगों ने केस फाइल किया होगा। देखिए आपके यहाँ बहुत जैसे 2018 में बहुत सारे लोगों ने वहाँ केस फाइल किया, तो आप इससे सारा देख सकते हैं, फिर नाम के थ्रू भी देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बता चुकी पहली वीडियो में नाम के थ्रू कैसे देखें, अभी आप कैटेगरी के थ्रू या केस के कैटेगरी के थ्रू भी आप इस तरह देख सकते हैं, और जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप किसी का भी केस थ्रू चेक करके देख सकते हैं, और का जो भी ऑर्डर निकला होगा उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी काम की वीडियो है, और अपने काम के लिए वीडियो हमें कमेंट करिएगा। आपके कोई क्वेश्चन के बारे तो हमसे जरूर लीगल एडवाइस ले सकते हैं, केस फाइल करवा सकते हैं, और हमें अपना प्यार देने के लिए हम आपके इतनी यूजफुल वीडियो बनाते हैं, आपसे हम कोई फीस भी लेते हैं, आपसे कोई हम कुछ मांगते भी नहीं, तो हम एक लाइक तो आप दे ही सकते हैं, एक सब्सक्राइब शेयर दे सकते हैं कि हम आपकी इतनी यूजफुल वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हमें जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, साथ में हमें हमारी वीडियो की कितनी अच्छी लगे, आपको अच्छी कितनी लगे, तो जरूर जरूर कमेंट करिएगा, एक सिंगल कमेंट सब प्लीज़ हमारे लिए जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हैव नाइस डे।